डिफरेंट मूड्स और डिफरेंट गायकी के रंगों को आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी कोशिश होगी कि स्टेज पे हमारे जितने भी टैलेंटेड म्यूजिशियंस हैं जिन्होंने आज के इस शो में हमारे साथ शिरकत करनी है, उनको भी स्टेज पे मधु करें। हमारी कोशिश होगी कि उस्ताद मेहदी हसन खान साहब की गायकी के जितने भी रंग थे, लाइट रोमेंटिक से लेके राग बेस्ड गायकी, उर्दू गज़लें, तमाम आपके सामने पेश किए जाएँ। और उसके लिए मैं मधु करूँगी स्टेज पे हमारे म्यूजिशियंस को। सबसे पहले हमारे पास प्रिकॉशंस पे मौजूद हैं अमूस जावेद, आपकी भरपूर तालियों में। तबले पे मौजूद हैं कमर बाबर, जो कि उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी साहब के बाकायदा शागिर्द भी हैं। हारमोनियम पे मौजूद है सज्जाद अशरफ। बेस गिटार पे मौजूद है सजील महमूद। और उसके साथ साथ कीस पे मौजूद है शेरी बख्शी। आज इन तमाम म्यूजिशियंस के साथ साथ हमारे साथ मुल्क का बहुत बड़ा नाम, इंटरनेशनल रिनाउंड फ्लूट प्लेयर भी मौजूद हैं, बाकिर अब्बास, जिनको आप बजाते हैं अपने फिल्म गानों में। बहुत ही बड़ा नाम है जनाब, म्यूजिक कंपोजर भी हैं और इंटरनेशनली उन्होंने बहुत सारा काम किया है। ही इज़ दी ओनली आर्टिस्ट जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली में परफॉर्म किया है और डिफरेंट रंगों को परफॉर्म करते हैं। सर बेसाखी के आप इधर आइए, सबसे पहले तो वेलकम कहेंगे आपको शो में। उस्ताद मेहदी हसन खान साहब के साथ के बारे में क्या कहेंगे, और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो मैं चाहूँगी हमारे साथ शेयर। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूँ, बस इतना जानता हूँ कि मैं मौसीकी के अतबार से उनको मुर्शिद मानता हूँ। बाकी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बाकी भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि आज उस्ताद मेहदी हसन खान साहब के दो सॉन्ग्स हमारे लिए प्ले करें। एक ख्वाजा खुर्शीद अनवर की कॉम्पोजिशन है और एक ए हमीद की कॉम्पोजिशन है। बहुत शुक्रिया, आपकी भरपूर तालियों में। सबसे पहले आपके हुनर में बहुत इंकसारी के साथ सलाम पेश करता हूं, और इतनी बड़ी शख्सियात मेरे सामने बैठी हैं, मैं मुझे यकीन जाने कोई अल्फाज ही नहीं है, ना कोई दावा है, मुझे कुछ भी नहीं आता। बस ये है कि एहतराम करता हूं और कोशिश करता हूं, या मौला मेरी इज्जत रखी है, सबकी इज्जत रखी है, अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर। Thank you.
आप लोगों के सामने बैठ के वैसे आदमी बजाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये कोशिश की है बजाना। एक और बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन है, मुझे ये भी है कि स्टूडियो में एवरेज स्टूडियो में खान साहब को रोज़ आते जाते देखते हैं, तो हमारे लिए वो एक वो यादें भी हैं, वो इश्क भी है, और क्या खूबसूरत यादें, बस अल्फाज नहीं है। Thank you.